ज्ञानतिम्रान दशो ज्ञानंजन सलाक चक्षु मिलत महीनो दशमे श्री गुरुवे नमा श्री चैतन्य मनोविष्टम इस्थापितम भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वभदांतिकम वन्दे अहम् श्री गुरु श्रीयतो पदकमलम श्री गुरुन सगण रघुनाथन्व सजीव सावधूतम पिजन सहित शैतन्यदेव श्री राधाकृष्णपादलिता श्री विशाखान्वता हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणम नमस्कृत्यम नरम चव नरोतम देवी सरस्वती व्यासम तुदीर जय गोपाल आई सत्संगी जनों मेरे बहन भाइयों श्रीमद भागवत गीता का पूर्ण ज्ञान अर्जुन की झोली में डाल देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस ज्ञान को उन व्यक्तियों को नहीं देना जिन्होंने कभी तप किया नहीं तप जाना भी नहीं उन व्यक्तियों को भी मत देना जो मुझे कभी प्रणाम भी नहीं करते बल्कि मेरे मुझसे शत्रुता साधते हैं मेरे मेरे से वैमनुष्यता साधते हैं मेरे मुझे नफरत करते हैं मुझे नहीं मानते मुझे इग्नोर करते हैं उनको नहीं देना और जो सुनना नहीं चाहता इस ज्ञान को उसे भी कदापि नहीं देना ये तो प्यासों को देने की विद्या है जो प्यासे हूं उस प्रभु के प्रेम के उस ज्ञान के ये विद्या है और जो व्यक्ति जो भक्त इस विद्या को इस आत्मज्ञान को मेरे भक्तों के बीच में कहेगा वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा पराभक्ति क्या है शुद्धतम स्तर पर पहुंची हुई भक्ति ही पराभक्ति है जिस भक्ति में किसी भी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि इंद्रिय तृप्ति नहीं हो संसार के भोगों की कामना नहीं हो अभिलाषा शून्य ही पराभक्ति का दूसरा नाम है जो भक्ति अभिलाषा शून्य हो वो ही पराभक्ति है किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं हो ना धनम ना धन की ना जन्म ना ऊंचे कुलों में ऊंचे लोकों में इंद्र लोकों में जाके जन्म लेने की ना धनम ना जनम ना सुंदरी कोई विशेष सुंदर स्त्री की ना कविता किसी प्रकार की संसार में ख्याति फैले कोई मुझे जाने कोई मुझे सम्मान दे कोई मुझे प्रणाम करे कोई मुझे माने कि ये भी कोई संत है ये भी कोई महात्मा है ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविताम वा जगदीश कामाए हे प्रभु मेरी ये कोई कामना नहीं है मेरे हृदय की किसी भी प्रकार की इनमें से कामना नहीं है ना मुझे इंद्र के खजाने चाहिए वैभव चाहिए ना धन चाहिए ना ऊंचे कुलों में ऊंचे लोकों में राजघरानों में देवलोकों में ब्रह्मलोक में कोई जन्म नहीं मेरी कोई कामना नहीं ना।, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कोई विशेष सुंदर रूपवती नारी की भी कामना नहीं है जो ब्रह्मांड की सुंदरी हो विश्व सुंदरी नहीं ब्रह्मांड सुंदरी हो यूनिवर्सल ब्यूटी नहीं चाहिए भगवान ना धनम ना जन्म ना सुंदरी किसी प्रकार की भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए तिल भर भी प्रसिद्धि नहीं चाहिए हे जगदीश मेरी ये कामना नहीं है चैतन्य महापुरु जी कह रहे हैं एक पराभक्ति एक शुद्ध भक्त के लक्षण एक शुद्ध भक्ति के लक्षण मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति अहत की तुई हे प्रभु मुझे तो मैं जहां पर भी रहूं जिस स्थिति में भी रहूं जहां भी मेरा जन्म हो जिस स्थिति में भी मैं हूं कष्ट में हो सुखों में राज राजघरानों में हो या गरीबों के घर गर में हो जहां पर भी हो आप मुझे मैं आपके चरणों को नहीं भूल आपके चरणों में सेवा को मैं कभी नहीं भूलूं गोविंद मुझे आपके चरणों की सेवा देना मुझे जब जब भी दो आपके चरणों की सेवा ही दो और कुछ नहीं चाहिए प्रभु कुछ नहीं चाहिए ये पराभक्ति है शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति है दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे